आज के ज़माने में होली एक कस्टम रह गया है। हम लोग अपने सोसाइटी में सेलिब्रेट करते हैं, सब कोई शाम को मिलजुल के होलिका दहन होता है। दैट इज़ वेरी लिमिटेड इन टुडेज सिनेरियो। हमारे ओल्डन डेज में हम लोग जब होली मनाते थे, ये पूरा 10-15 दिन का घरों में फेस्टिविटी जैसा एनवायरनमेंट रहता था। सारे बच्चे हम लोग सब कोई मिल के बड़कुला बनाना चालू करते थे। बड़कुला इज नथिंग बट गाय के गोबर को थोड़ा सा उसमें मिट्टी मिला के सॉलिडिफाई किया जाता था, एक केक के जैसा शेप देते थे और बीच में होल रहता था। तो सभी हम सभी बच्चों के बीच में एक कंपटीशन रहता था कि किसका बड़कुला कितना अच्छा। और फिर होली के 4-5 दिन पहले हमारी मम्मी, ताई जी, चाची विशेष शेप बनाती थी, लाइक सूरज, चंदा मामा, तलवार, ढाल, सुपारी और नारियल। नारियल कैसे बनाते थे, दो मट्टी के दिए, उसके अंदर कौड़ी रखी जाती थी और उसके ऊपर गोबर और मिट्टी लगा के प्रॉपरली उसका शेप दिया जाता था। और ये सारे चीज़ों में बीच में होल रहता था ताकि हम लोग दहन के एक दिन पहले ये सारी चीज़ों को माला बना सकते थे रस्सी के अंदर पिरो के। और ऐसी हम लोग हर कोई अपनी अपनी माला बनाया करता था अपने अपने बड़कुले की, एंड फिर होली का दहन के दिन जाके डाल दिया जाता था। जो ज़्यादा मात्रा गोबर की रहती थी वो होली का दहन काफ़ी अच्छा होता था। जब होली का बनाई जाती थी तो सारी लकड़ियाँ चारों तरफ सेंटर में एक लंबा सा बैम्बू में नारियल बांध दिया जाता था, पूजा हो जाए उसमें फायर लगाई जाती थी और फिर सभी कोई फेरी दिया करते थे। और जब होली का जलने लगती हैं तो वो रस्सी भी बर्न हो जाती थी और वो जो नारियल था वो गिरता था। दिस इज अ वेरी वेरी सिंबॉलिक थिंग। होली का दहन हो रही है, प्रहलाद जी की लाइफ सेव हो जाती। उसके अलावा भी हम लोग उस दिन फिर सब कोई मिल के खाना वगैरह खाते थे, थोड़ा बहुत हल्की गुलाल वगैरह एक दूसरे को लगाया करते थे और वो सारी चीज़ें होती थी। ये सारी चीज़ें बड़ी भगवान के लिए वो सारा चीज़ सिखाया जाता था कि ऐसा करना चाहिए, इससे ये अच्छा होता है। अभी तो ये सारी चीज़ें केवल एक रिचुअल्स रह गया है, पर्टिकुलर टाइम पे जाओ होली का दहन हो जाता है, शाम को आओ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग जाओ, एंड दैट्स ऑल। बट हाँ, पुराने ज़माने में वो जो 10-15 दिन की फेस्टिविटी रहती थी वो आज भी हम लोग मिस करते हैं।